अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप अपना अफसर अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गए हो तो उसको दोबारा से कैसे रीसेट करते हैं या कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा लाइव आप लोगों को प्रूफ दिखाया हूँ कि कैसे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दोबारा से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, गूगल को अपना ओपन करें। गूगल ओपन करने के बाद अफसर लिखकर सर्च कर ले, उसके बाद लॉगिन कर ले। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अफसर अकाउंट इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो आप इंग्लिश में कर ले उसको। यहाँ यूजर नेम में आपसे आपका अकामा नंबर यहाँ लिख देना है। ओके, और अगर आप पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देख सकते हो कि आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ गया है। तो आपसे आपका आईडी नंबर मांग रहा, मतलब अकामा नंबर यहाँ पर ऊपर में लिख दे, और मोबाइल नंबर के जगह आपका अकामा पे जो सिम नंबर है उस नंबर को आप इस जगह पर लिखे। मोबाइल नंबर को नोट करने के बाद नीचे में आप देख सकते हो कि आपका इमेज कोड भी दिया गया है 242। यहाँ से आप अपना इमेज कोड यहाँ पर लिख दे 2424। सबसे पहले मोबाइल नंबर दे दे, उसके बाद यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर यहाँ पर नोट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में जो है यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड को सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ से मैं अपना पासवर्ड को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और आंसर में जो है आपका पासवर्ड नंबर जो यहाँ पर लिखना है। तो आप अपना पासवर्ड नंबर अपना पासवर्ड के ऊपर देख लें, उसके बाद यहाँ पर आप वो चीज़ को इस जगह पर लिख दें। तो लिखने के बाद जो है नेक्स्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपना पासपोर्ट नंबर को लिख दे रहा हूँ, देख उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया हूँ। तो आपने जो नंबर दिया है, सिम नंबर दिया है, उस पर जो है ओटीपी आएगा 4 डिजिट का। तो उस ओटीपी को इस जगह पर एक्टिवेशन कोड को यहाँ पर इस जगह पर नोट कर देना है। सिम पर जो है ओटीपी आ गया है, मैं उसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उस ओटीपी को। और ओटीपी लिखने के बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट नीचे बटन दिया गया है, नेक्स्ट का बटन, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि न्यू पासवर्ड आप सेट करें, पासवर्ड आप सेट करें। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो है अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपका पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। तो चैनल पर नए आए हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। सवाल हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।